सो हेलो एवरीबडी एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सॉरी वीडियो थोड़ी लेट आ रही है बिकॉज आई हैव बीन इनएक्टिव फॉर अ फ्यू डेज। सो टुडे वी विल सॉल्व अ प्रॉब्लम अ बिट इजी डैट वॉज फ्रॉम कोर्स स्टार्टर्स 38। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। प्रॉब्लम स्टेटमेंट बहुत ही ईजी है इस बार। द प्रॉब्लम स्टेटमेंट स्टेटमेंट इज़ वेरी ईजी। तो अपने को क्या दिया, वी आर गिवन एन इंटीजर एन और अपने को एरे दी एक्साइज एन की, डैट इज लेट्स ए वन ए टू ए थ्री सो अनटिल ए ऑफ एन, एंड अपने को इंटीजर दिया है के। बट वी वॉन्ट टू डू इज वी वॉन्ट टू फाइंड पेयर ऑफ इंडिसेस आई कॉमा जे सच डैट द फॉलोइंग कंडीशन होल्ड्स। कंडीशन क्या है, ए आई और ए जे प्लस ए आई इज और ए जे प्लस ए आई एंड ए जे इज इक्वल टू के प्लस ए जे, और जो ये के है ये वाला के है, सो आई कैन मेक इट रेड के प्लस ए जे। वी हैव टू काउंट सच पेयर्स एंड जो अपना एन है, अवर एन इज ऑफ ऑर्डर 10 पावर 5, सो वी कैन नॉट डू एन स्क्वायर। वी कैन नॉट डू एन स्क्वायर, वी हैव टू इधर डू ओ ऑफ एन और ओ ऑफ एन लॉग एन, समथिंग लाइक दिस। सो हाउ कैन वी काउंट सच पेयर्स? सो अगर आपने पहली इसको सॉल्व करना हार्ड नहीं है, इट इज़ नॉट हार्ड टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम, इट इज़ हार्ड टू कम अप विद एन अप्रोच। अगर आपने पहली ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व कर रखी है, इट इज़ इजी इजियर टू कम अप विद द अप्रोच। सो हाउ शुड यू अप्रोच दीज प्रॉब्लम्स? सो मैंने इसको कैसे सॉल्व किया, आई थॉट ऑफ अ वेरी सिमिलर प्रॉब्लम जो मैंने पहले करी थी। उस प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ था, उस प्रॉब्लम में अपने को आई कॉमा जे काउंट करने थे। डैट डैट प्रॉब्लम इज, इफ आई हैव टू राइट इट हियर, इन डैट प्रॉब्लम उसमें क्या दिया हुआ था, काउंट सब एरेज सच डैट सम ऑफ सब एरे इज इक्वल टू लेंथ ऑफ सब एरे। सम ऑफ सब एरे इफ ये मेरी सब एरे है एक आई कॉमा जे, राइट, एंड जिसका सम होगा, अरे जो भी इसका सम है, सम ऑफ ए पी पी गोज फ्रॉम आई टू जे इज इक्वल टू इसकी लेंथ, दैट्स इसकी लेंथ क्या है, जे माइनस आई। तो अपने को ये आई कॉमा जे, वी हैव टू फाइंड सच पेयर्स आई कॉमा जे। अब ये देखने में काफ़ी हार्ड लग रहा होगा, बट इससे जो ये क्वेश्चन है ये कैसे सॉल्व होता है, इसमें वही जो ये अपना ये सम है, वही ब्रेक इट डाउन, वी राइट इट एज अ प्रीफिक्स सम। सो वी राइट इट एज प्रीफिक्स ऑफ जे माइनस प्रीफिक्स ऑफ आई इज इक्वल टू जे माइनस आई, ऑल्सो इट शुड बी आई प्लस वन। देन इफ यू पेयर अप दिस जे विद योर एरे, इट विल लुक समथिंग लाइक दिस, प्रीफिक्स ऑफ जे माइनस जे इज इक्वल टू प्रीफिक्स ऑफ आई माइनस आई। अब जो आपकी स्टेट्स है ना, आपकी स्टेट सेग्रीगेट हो गई हैं। नाउ यू कैन डिफाइन ये आपकी स्टेट क्या है, ये आपकी स्टेट है जे, ये आपकी स्टेट क्या है आई। सो इफ यू नो, अगर आपको इस वैल्यू का काउंट मालूम है, इफ यू नो काउंट ऑफ दिस वैल्यू फॉर स्टेट जे, यू कैन इजिली काउंट द पेयर्स, राइट। सो इफ़ यू आर एबल टू सेग्रीगेट, मतलब ये मैंने एग्जाम्पल क्यों दिया इस क्वेश्चन का, ये कम्प्लीटली इरेलीवेंट है इस क्वेश्चन से, बट ये मैंने एग्जाम्पल क्यों दिया कि हाउ यू शुड अप्रोच दिस प्रॉब्लम। अप्रोच क्या है कि इफ़ यू आर एबल टू सेग्रीगेट योर स्टेट्स, अगर आपने स्टेट जे एंड स्टेट आई को सेग्रीगेट कर दिया, इफ़ यू आर एबल टू सेग्रीगेट योर स्टेट, यू कैन ईजिली काउंट द पेयर्स, यू कैन ईजिली काउंट द पेयर्स यूजिंग अ मैप। सो लाइक इन दिस क्वेश्चन, अगर यू कैन कीप अ मैप डैट स्टोर्स ऑल दीज वैल्यूज, मैप स्टोर्स ऑल दीज वैल्यूज, एंड देन यू कैन ईजिली काउंट फॉर एनी इंडेक्स जे द काउंट ऑफ दो वैल्यूज, राइट, जो इससे पहले आ चुके हैं। सो इससे अपने को क्या मिलता है, अप्रोच क्या है इस प्रॉब्लम की, अप्रोच इज ट्राई टू सेग्रीगेट स्टेट जे एंड स्टेट आई, क्योंकि अगर आपने सेग्रीगेट कर दिया, देन यू कैन ईजिली काउंट फॉर एवरी स्टेट जे द वैल्यूज ऑफ स्टेट आई। So how can we segregate this? So let's write down the equation. Equation क्या दी अपने को, ए आई और ए जे
प्लस ए आई इज और ए जे प्लस ए आई एंड ए जे इज इक्वल टू के प्लस ए जे. सो देर इज अ वेल नोन प्रॉपर्टी, इफ यू गाइज नो और इफ यू गाइज डोंट नो यू वुड हैव टू लाइक फाइंड इट ड्यूरिंग कॉन्टेस्ट. प्रॉपर्टी क्या है, ए ए आई, लेट मी राइट इट इज अ प्रॉपर्टी फर्स्ट. प्रॉपर्टी क्या है, ए प्लस बी इज इक्वल टू ए और बी प्लस ए एंड बी, ये प्रॉपर्टी है. सो इफ यू अप्लाई दिस हेयर, इफ यू टेक दिस टर्म एंड इफ यू टेक दिस टर्म, यू कैन इजिली अप्लाई इट हेयर एंड यू विल गेट ए आई इज और ए जे प्लस ए आई प्लस ए जे इज इक्वल टू के प्लस ए जे. ए जे ए जे कैंसिल हो गया, यू गेट ए आई इज और ए जे इज इक्वल टू के माइनस ए आई, देन यू गेट ए जे इज इक्वल टू के माइनस ए आई जॉर ए आई. इफ यू जॉर ए आई दोनों साइड ए से जॉर कर दो यहाँ पे एंड यू गेट दिस, ये आपकी क्या बन गई, इक्वेशन बन गई. एंड इफ यू सी नाउ स्टेट जे एंड स्टेट आई आर डिफरेंट, दिस इज स्टेट जे, दिस इज स्टेट आई. सो आई कैन जस्ट स्टोर ऑल दिस वैल्यूज इन अ मैप, आई कैन स्टोर दिस इन अ मैप, स्टोर दिस इन अ मैप एंड देन फॉर एनी स्टेट जे आई कैन इजिली काउंट द नंबर ऑफ पेयर्स. जैसे यहाँ पे हुआ था राइट, यहाँ पे नाउ आई हैव सेग्रीगेटेड माई स्टेट जे एंड आई, सेग्रीगेशन राइट, जे एंड आई आर सेग्रीगेटेड हियर. सो नाउ आई कैन इजिली डू, I can just run a loop from one to n, then answer will be plus जो जो मेरी current value है, let's say variable का नाम दिया मैंने i, answer plus equal to count of ai, right? क्योंकि जितनी भी स्टेट्स हैं ये पहले मैं स्टोर करता रहूँगा. सो जितनी मेरे को वैल्यूज़ मिली हैं, जो मेरी स्टेट क्या है ए जे, तो जो इसकी काउंट है मैं उसको क्या करूँगा, इंक्रीमेंट कर दूँगा एंड देन जो इसका जो इसकी वैल्यू क्या होगी, काउंट आई विल स्टोर एज इट इज के माइनस ए आई इज और ए आई प्लस प्लस, यही करना है अपने को एंड देन द आंसर इज जस्ट प्रिंट आंसर इन द एंड. क्योंकि मेरे को काउंट करनी है ऑल दीज वैल्यूज डेट इज के माइनस ए आई इज और ए आई डेट आर लेस देन दिस और उनकी वैल्यू क्या है ए जे के इक्वल है, तो वो मैंने स्टोर करा दिया मैप में ऑलरेडी. नाउ आई जस्ट नीड टू क्वेरी माई मैप कितनी वैल्यूज हैं जिनकी जो वैल्यू है ए आई के इक्वल है, डेट विल बी एडेड टू माई आंसर. और फिर जो मेरा करंट ए आई है जो वो वैल्यू क्या ऐड करेगा मेरे मैप में, वो वैल्यू ऐड करेगा के माइनस ए आई इज और ए आई, क्योंकि जो इसके बाद कोई जे आएगा उसको भी तो यूज़ करना होगा ना इसको, सो डैट वैल्यू कैन यूज इट, सो वी स्टोर के माइनस ए आई इज और ए आई इन अ मैप. लेकिन ये बहुत ही वेल नोन, लाइक दिस इज अ वेल नोन एल्गोरिथम काइंड ऑफ. और जो मैंने प्रॉब्लम दी आपको ये वाली, सम ऑफ सब एरे सच डैट लेंथ इज इक्वल टू सब एरे, यू कैन फाइंड दिस प्रॉब्लम ऑन कोड फोर्सेस आई थिंक एंड यू कैन ट्राई टू सॉल्व दिस एंड यू विल गेट अ वेरी गुड आइडिया कि ये क्यों काम करता है. And if you get such problem जहाँ पर आपको pairs count करनी है, it is always useful to try to segregate J and I. If you can easily define your state using a single index, it is always useful. So that was the solution. So if you want to see my code, right? यही code है मेरा. I kept a map count. Then जिस मैंने iterate किया from 0 to n, answer is प्लस इक्वल टू काउंट ऑफ वी आई जो मैंने यहाँ पे दिखाया था, ये वाला स्टेप एंड देन जो मेरी करंट वैल्यू ये क्या कॉन्ट्रीब्यूट करेगी, इट विल कॉन्ट्रीब्यूट के माइनस ए आई इज और ए आई. सो मैंने इसको क्या कर दिया, इस काउंट को कर दिया इंक्रीमेंट कर दिया. सो मैंने ये वाले काउंट को इंक्रीमेंट कर दिया, देन माई फाइनल आंसर विल बी माई जो मेरा आंसर एंड में आ जाएगा, डेट इज द नंबर ऑफ पेयर्स. So that is just C out answer. So that was it for this problem. So if you guys have a doubt, do let me know in the comments. And that was it.
So if you guys don't know, Newton School is currently offering a 6-month full stack development course, right? It is totally based on pay after placement model. So आपको कुछ पे नहीं करना है upfront, right? There is zero hidden fees, there is zero upfront fee, कुछ पे नहीं करना है आपको. And they will get you placed into top MNCs like Google, Flipkart, Zomato, etc. with a minimum package of rupees 5 lakhs. So they are guaranteeing that they will get you a minimum package of rupees 5 lakhs, but that is the minimum, of course, right? The average package is around rupees 7 lakhs and the highest is rupees 26 lakhs, right? And the placement rate is over 90%. Also, jo inke mentors hain, all their mentors are from FANG, right? From Goldman Sachs, from Amazon, from Flipkart, Google, etc. So you can be assured ki jo bhi mentorship hai, you are getting top mentorship, the quality of the course is top notch, right? Also, agar aapko thoda matlab hesitant ho ki mereko coding nahi aati hai, how will I cope up, you don't need to worry. You just need to sign up for an aptitude test. Agar aap usme acha karte ho, you will be signed up for the course, right? And ye 6-month lamba course hai, right? So you don't need to worry, they will teach you from scratch. So you can still cope up agar aapko kuch bhi nahi aata hai. If you don't know coding, they will teach you from scratch, right? And the course is very beginner friendly. So if you guys are looking for a job, this is definitely a head start that you should aim for, and I will highly recommend this if you are looking for a job in the tech field, right, or a similar area, right? So do sign up for this, the link will be down below, and let me know if you guys have doubt about the video as well, and do let me know the questions or the problems that you want to see solutions for or some general improvement tips, and I will be happy to cover them as well.